बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज़ सादिक हुसैन एंड यू आर वाचिंग योर ऑन बायोलॉजी चैनल बायोलॉजिज्म। और बायोलॉजिज्म पे हम एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग टू मच लेट। ये जो हमारा छठा लेक्चर है इसमें देर हो गई है, दैट इज़ ड्यू टू द होली मंथ ऑफ द रमज़ान, और उसके साथ साथ कुछ तबीयत जो है वो भी ठीक नहीं थी। सो इस वजह से आपके लेक्चर लाने में थोड़ी सी टाइम जो है वो लग गया है, लेकिन होपफुली अब आने वाले दिनों में जो है आपको लेक्चर्स डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। सो हमारा आज का जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है जी वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन बॉडी। सॉरी जी, हमारा एमसीक्यूज़ है वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी वर्टिब्राई, के एक वर्टिब्रल कॉलम जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर उसके अंदर कितने वर्टिब्राई होते हैं। सो सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते होंगे कि ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आपकी, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसकी बेसिस पे एनिमल को डिवाइड भी किया गया है वर्टिब्रेट और नॉन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। और इसी वर्टिब्रेट्स के अंदर जो वर्टिब्राई होते हैं दीज आर 33 इन नंबर। सो आपके पास ऑप्शन डी जो है दैट इज़ करेक्ट वन। जी आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के तरफ, और क्वेश्चन नंबर टू में है जी 2017 नोबल प्राइज करंटली अवॉर्डेड इन इज फिजिक्स फॉर, के 2017 के अंदर जो आपके पास फिजिक्स के अंदर नोबल प्राइज दिया गया है उसकी वजह क्या थी। सो आपके पास ऑप्शन ए है जी फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, बी के अंदर है ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेट, और सी के अंदर है जी ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, और डी के अंदर है जी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स। सो 2017 के अंदर जो है वो साइंटिस्ट का नाम शायद होपफुली आगे मिल जाएगा। अगर आपको साइंटिस्ट का नाम नहीं मिलता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने मेंशन करना है, खुद से सर्च आउट करना है, और अगर आपको भी नहीं मिलता तो अगले लेक्चर के अंदर जो है वो आपसे मैं शेयर करूंगा साइंटिस्ट का नाम। और यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि 2017 के अंदर ग्रेविटेशनल वेव्स की जो है ऑब्जर्वेशन की गई है पहली दफ़ा, और उस साइंटिस्ट को जो है वो नोबल प्राइज़ दिया गया है 2017 के अंदर। देन जी नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है डीजल इंजन वाज डिस्कवर्ड बाई, के यहाँ पे आपने सबसे बताना ये है कि डीजल इंजन जो है वो किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए के अंदर है जी पॉल मुलर, बी के अंदर है फैराडे, और डी के अंदर है विलाय, और सॉरी सी के अंदर विलाय था, और डी के अंदर आपके पास रुडोल्फ डीजल है। सो ही वाज अ साइंटिस्ट जिसके नाम पे इसका इंजन का गे नाम भी डीजल इंजन ही रखा गया, और ये था साइंटिस्ट था रुडोल्फ डीजल। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, जेम्स मैक्सवेल, उसके साथ है गैगरिन, और साथ में ऑप्शन डी में है जी जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर किए थे जे थॉमसन ने। सो ऑप्शन डी जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है इसका, सॉरी ऑप्शन डी है आपके पास करेक्ट, जे थॉमसन। आगे हम मूव करते हैं जी, अगला हमारे क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज मच ब्राइटर इन आवर सोलर सिस्टम, कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा ब्राइटर के लाइटेड, जिस पे लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लाइटेड मीन वेट में हल्का नहीं लेना, ब्राइटर मीन के जिस पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है वो कौन सा सोलर सिस्टम में प्लैनेट है। ऑप्शन ए के अंदर है जी अर्थ, बी के अंदर है वेनस, और सी के अंदर है मर्करी, और डी के अंदर है जुपिटर। तो आपका जो वेनस है दैट इज़ द मोस्ट ब्राइटेस्ट और अ ब्राइटर प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़, कि किडनी का सबसे मेन फंक्शन जो है वो क्या है। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट तो इसे इजीली जानते होंगे, लेकिन बाकी क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे जनरल नॉलेज के हवाले से, तो उनको मैं बताता चलूँ कि किडनी जो है इसे बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर मेनली ब्लड से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, और आपकी यूरिन प्रोडक्शन जो है वो यहाँ से होती है। सो ऑप्शन सी जो है टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड इज़ करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी आगे, अगला हमारे पास क्वेश्चन है द एनर्जी स्टोर इन डैम इज़, के डैम के अंदर जो आपके पास एनर्जी स्टोर हो रही होती है वो कौन सी एनर्जी है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी की ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजिशन होती है। तो डैम के अंदर जो है वो मेनली वाटर पोजिशन होता है, तो इस वजह से आपके पास जो एनर्जी होती है वो ऑप्शन सी के अंदर बताई गई है, पोजिशनल
सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोजिशनल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजिशन, तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट है। देन जी नेक्स्ट आपके पास आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, मून लाइट रीचेस टू अर्थ बॉडी, कि मून से लाइट जो है वो अर्थ तक कितने टाइम के अंदर पहुंचती है। सो ऑप्शन ए के अंदर 0.3 सेकेंड, पॉइंट बी के अंदर है 1.3, 2.3 एंड देन 3.3। सो मून लाइट जो है वो आपके पास पहुंचती है 1.3 सेकेंड्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी, हु डिवेल्प्ड द टेलीग्राफ कोड, के टेलीग्राफ की कोडिंग जो है वो सबसे पहले किसने डेवलप की थी। ऑप्शन ए के अंदर है जी एंड्रे एम्पेयर, बी के अंदर है सैमुअल मॉर्स, सी के अंदर है जोसेफ हनरी, डी के अंदर है जेम्स फॉरियर। तो आपके पास जो ऑप्शन बी है सैमुअल मॉर्स इज अ करेक्ट आंसर। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था जी, टेलीग्राफिक कोडिंग जो है वो इन्होंने सबसे पहले डेवलप की थी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ दिस प्लैनेट्स ओपन इट्स माउथ व्हेन इंसेक्ट सिट ऑन इट्स लिड, सॉरी प्लैनेट्स नहीं है ये प्लांट्स है, कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिस पर जब कोई इंसेक्ट्स आके बैठता है तो वो अपना मुंह जो है वो खोल लेता है। तो अगर आपने ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से ही एमसीक्यूज है, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉमन आपने वर्ड पढ़ा होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये वहाँ से एक एग्जांपल है जिसके अंदर ऊपर लिड बना होता है। सनफ्लावर है ऑप्शन ए के अंदर, बी के अंदर पिचर प्लांट है, और सी के अंदर ब्रासिका प्लांट है, और डी के अंदर नन ऑफ दीज है। सो जैसे कि आप जानते हैं सनफ्लावर ये इंसेक्टिवोरस नहीं है, ब्रासिका जिसे ब्रासिका कंपेस्ट्रस इसका साइंटिफिक नेम है, ये भी क्या कहते हैं इंसेक्टिवोरस नहीं है। सो ऑप्शन जो बी है जिसे हम पिचर प्लांट कहते हैं, ये आपके पास इंसेक्टिवोरस प्लांट है और इसके ऊपर ही लिड होता है, और जब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है तो ये अपना ढकना जो है वो बंद कर लेता है, तो इस तरह ये उसे इंगल्फ करता है। सो ऑप्शन बी वाज करेक्ट। नेक्स्ट है जी, द स्पीड ऑफ सॉरी द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल इज अप्रोक्सीमेटली, ये भी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से ही एमसीक्यूज है जिसके अंदर आपने लैपलास करेक्शन और न्यूटन का साउंड साउंड की ट्रेवलिंग जो एयर के लिए आपने वहाँ पे इक्वेशन पढ़ी होंगी, तो वहाँ से एमसीक्यूज है। तो वहाँ पे जो सी लेवल पे डिस्कस किया गया है दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट जी, हु इन्वेंटेड द सेफ्टी पिन्स, जिसे आप हम अपने उसमें बक्सुआ के नाम से जानते हैं। सो वो सेफ्टी पिन सबसे पहले किसने इन्वेंट की थी। ऑप्शन ए के अंदर है जी चार्ल्स गुडबॉय, बी के अंदर है स्टीवर्ड हार्शमन, और सी के अंदर है वॉलनट हंट, और डी के अंदर है अरोजी। सो आपके पास जो वॉल्टर हंट है ही वाज अ साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले सेफ्टी पिन को इन्वेंट किया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, के एंटोमोलॉजी जो है वो किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं। सो ऑप्शन ए के अंदर है जी वर्म्स, बी के अंदर है इंसेक्ट्स, सी के अंदर है एनिमल्स, और डी के अंदर है ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे ख्याल रखिएगा जो एनिमल्स हैं उनकी स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं, ठीक है, सॉरी जूलॉजी कहते हैं, और एंटोमोलॉजी जो है वो उसी जूलॉजी की ही ब्रांच है जिसके अंदर हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट वन है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन आर बॉडी, के ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो बोन्स कितनी प्रेजेंट हैं। अच्छा याद रखिएगा, अगर तो ये कॉमनली आ जाए इन आवर बोन, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर पूछी जा रही है, ठीक है। और अगर इन्फेंट के हवाले से आ जाए तो वहाँ पे जो है वो तादाद डिफरेंट होती है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर एक अडल्ट बीइंग के अंदर जो है वो डिफरेंट होती है। अगर अडल्ट के हवाले से तो है वो 206 है, और अगर इन्फेंट के हवाले से पूछी जा रही है या एक छोटे से चाइल्ड के हवाले से पूछी जा रही है तो वहाँ से जो है वो आपने याद रखनी है वो 310 बोन जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और बाद में क्या होता है कि 310 जो है ये डिफ्यूज़ होते होते 206 तक आ जाती हैं। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो 206 हड्डियाँ जो हैं वो मौजूद होती हैं। देन जी, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू,
कि साउंड जो है वो किस चीज़ के अंदर मूव नहीं कर सकती, लिक्विड के अंदर भी करती है, सॉलिड के अंदर भी करती है, गैसेस के अंदर भी करती है, लेकिन वैक्यूम के अंदर जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए इनकी मीडियम की जरूरत होती है। सो इसलिए वैक्यूम के अंदर कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से ये वहाँ पर ट्रेवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट है जी, द डिस्टेंस ऑफ मर्करी फ्रॉम सन इज, के सन से मर्करी का जो डिस्टेंस है वो कितना है। मर्करी इज अ प्लैनेट इन आर गैलेक्सी, और सन से जो इसका डिस्टेंस है दैट इज 57.9 मिलियन किलोमीटर। सो ऑप्शन बी जो है वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, द स्टडी ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लैंड्स आर द स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट सेक्रीशन देते हैं, और ग्लैंड की स्टडी को हम क्या कहते हैं जी, कार्डियोलॉजी, नन ऑफ दीज, एंडोक्राइनोलॉजी एर एंटोमोलॉजी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्लैंड की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, और हर्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं, और इंसेक्ट्स की स्टडी को आप एंटोमोलॉजी कहते हैं। सो ये अभी अभी हम ऊपर एमसीक्यूज करके आए हैं, जस्ट 2 मिनट के टाइम डिफरेंस से। सो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। देन है जी, द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड, के आपके पास ये केमिस्ट्री से एमसीक्यूज है कि आपके जो स्पेसिफिक इंटरवल होता है उसके बाद रेपिटेशन होती है कुछ प्रॉपर्टीज की, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है जी इलेक्ट्रॉन इफिनिटी, बी के अंदर है एटॉमिक रेडियस, सी के अंदर है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, और डी के अंदर है नन ऑफ दीज। सो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर वो प्रॉपर्टी जो है वो रिदमिकली रिपीट हो रही है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ शॉर्ट साइटेड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग द लेंस, कि आप कौन सा लेंस जो है वो यूज करें तो आप जो शॉर्ट जो साइटेड डिफेक्ट है इसे खत्म कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए के अंदर है जी कनकेव लेंस, बी के अंदर है कन्वेक्स लेंस, सी के अंदर है कन्वर्जिंग लेंस, और डी के अंदर है नॉन ऑफ दीज। सो शॉर्ट साइटेड डिफेक्ट के लिए आप हमेशा कनकेव लेंस जो है वो यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगर लॉन्ग साइटेड डिफेक्ट आ जाए तो वहां पे आपने हमेशा याद रखना है कन्वेक्स लेंस जो है उसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इज काज, सॉरी इज कास्ड, कि आपके पास जो विटामिन B1 की कमी है उसकी होने की वजह से क्या होता है। ऑप्शन ए के अंदर है जी रिकेट्स, बी के अंदर है बोन इन्फेक्शन, सी के अंदर है बेरी बेरी, और डी के अंदर है मायोपिया। सो याद रखिएगा रिकेट्स और बोन इन्फेक्शन जो है ये आपके पास विटामिन डी की वजह से होते हैं, और मायोपिया जो है दैट इज अ डिजीज ऑफ आई साइट जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ी है शॉर्ट साइटेड, ये उसे कहते हैं, और जो आपके पास ऑप्शन बच रहा है दैट इज बेरी बेरी। सो ऑप्शन सी जो है वो आपके पास करेक्ट वन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज क्रस्ट, मेंटल, कोर आर नन ऑफ दीज। सो जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ के आपके पास 3 पार्ट हैं, सबसे ऊपर जो आपको नजर आता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे जो है उसे हम मेंटल कहते हैं, और जो इनर मोस्ट पार्ट है उसे हम कोर कहते हैं। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट वन, ऑप्शन सी जिसे हम कोर कहते हैं दैट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। देन है जी, द ओजोन लेयर इज एट हाइट एफिनिटी, हाई एफिनिटी, सॉरी ये हाइट नहीं है, ओजोन लेयर इज एट हाई एफिनिटी ऑफ सॉरी फार फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। बेसिकली ये आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन लेयर जो है वो अर्थ से कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे याद रखिएगा इसके साथ किलोमीटर है कि अर्थ सर्फेस से ओजोन जो लेयर है वो कितने किलोमीटर पे है। सो ऑप्शन ए के अंदर है जी 10 to 20, और बी के अंदर है 20 to 30, और सी के अंदर है 30 to 40, और डी के अंदर है 40 to 50। तो हाइट फिन जो आपके पास ओजोन लेयर की हाइट है इन किलोमीटर वो आपके पास 20 to 30 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी, अ लिटिल इनहिलेशन इज डन थ्रू, के लिटिल इनहिलेशन जो है वो किसके थ्रू की जा सकती है। ऑप्शन ए के अंदर है जी सिगरेट्स, बी के अंदर है पाइप्स एंड सिगार्स, बोथ ए एंड बी ऑफर लिटिल इनहिलेशन, बोथ ऑफर एक्सट्रीम इनहिलेशन।
इनहेलेशन बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर आप पोल्यूटेड जो स्मोक है या एयर है या जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको अंदर लेके जाते हैं। सो यहाँ पे लिटिल इनहेलेशन की बात की गई है, तो ये पाइप्स और सिगार के जरिए की जाती है, जबकि सिगरेट जो है वो आपके पास एक्सट्रीमली इनहेलेशन काज करते हैं। सो इस वजह से आपके पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। देन द ह्यूमन ब्रेन यूजेस परसेंट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन एंड ब्लड इन द बॉडी, कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो कितने परसेंट ऑक्सीजन जो टोटल एक ब्लड के अंदर मौजूद होती है उसका कितने परसेंट यूज करता है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रेवल करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बॉडी के हर सेल तक पहुंचती है और वहां पे यूटिलाइजेशन होती है। तो ब्रेन जो है वो हमारा 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन जो आती है बॉडी के अंदर उसे यूटिलाइज करता है फॉर जनरेटिंग द सिग्नल एंड मेंटेनिंग इट्स एक्टिविटीज। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लॉन्गेस्ट डे, के सबसे ज़्यादा लंबा दिन जो है वो किस पे होता है। ऑप्शन ए के अंदर जुपिटर है, बी के अंदर मर्करी है, सी के अंदर अर्थ है और डी के अंदर जो है वो वीनस है। सो वीनस जिसे हम अभी देख के आए हैं कि दैट इज़ द ब्राइटर प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम, और यही जो आपके पास सोलर प्लैनेट है इसके ऊपर लॉन्गेस्ट डे होता है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नाउन एज मॉर्निंग स्टार, कि हम मॉर्निंग स्टार जो है वो किसे कहते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है जी मर्करी, और ऑप्शन बी के अंदर है वीनस, और सी के अंदर है मार्स, और डी के अंदर है सैटर्न। तो आप जो वीनस है इसे ही मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी, एट व्हाट एंगल अबव द हॉरिजन मस्ट द सन बी क्रिएट अ रेनबो, के रेनबो जो है वो जब क्रिएट होती है तो हॉरिजन पे सन का एंगल जो है वो कितना होना चाहिए। सो ऑप्शन ए के अंदर है जी 90 डिग्री, बी के अंदर है 60 डिग्री, सी के अंदर है 40 डिग्री और डी के अंदर है 65 डिग्री। सो रेनबो की क्रिएशन के लिए आपके पास जो सन का हॉरिजन के साथ एंगल है दैट इज 40 डिग्री। सो सी ऑप्शन जो है इट इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी, सनलाइट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी डी ई के, और यहाँ पे कुछ और बात अगर की गई है तो इट्स अ वेरी सिंपल एमसीक्यूज कि आप लोग सुनते हैं कि सर्दियों में जो है वो धूप में बैठे और सुबह 7 से 9 तक या फिर 7 से 10 तक जो टाइम है इस साइड पे आपके लिए सनलाइट जो है वो वैल्यूएबल होती है, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि इस टाइम आपका विटामिन डी बनता है। सो इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी जो है वो आपके पास करेक्ट वन है। देन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रीथिंग रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, के ह्यूमन बॉडी का जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या है। ये आप फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर, अगर आप कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी आपने पढ़ी है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के चैप्टर के अंदर जो है, सॉरी गैसेस एक्सचेंज के चैप्टर के अंदर जो है ये आपको एमसीक्यूज मिलेगा। सो वहाँ पे आप पढ़ के आए होंगे कि 16 से 20 पर टाइम जो है 1 मिनट के अंदर ब्रीथिंग रेट होता है ह्यूमन बॉडी का या ह्यूमन और एक ह्यूमन बीइंग का। देन हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ, ह्यूमन माउथ के अंदर जो है वो कितने टीथ होते हैं। सो ऑप्शन वन है 30, 33, 32 और 31। तो अपने बला महाला हर जगह पे सुनना होगा कि चुप हो जाओ वरना थप्पड़ लगा के 32 दांत तोड़ दूंगा। तो दैट्स अ करेक्ट वन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है 32। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, जो आपके पास टीथ हैं जो कि 32 हैं, इनकी टाइप्स भी हैं और 5 टाइप्स हैं। इनमें केनाइन हैं, मोलर हैं, प्री मोलर हैं और उसके साथ साथ सीजर हैं। तो ये आपने क्या करना है, आपने इनकी टाइप्स जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन की है, मैंने बोल भी दिया है, लेकिन फिर भी आपने रिसर्च करना है, और रिसर्च करने के बाद आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में उनके नाम जरूर मेंशन करने हैं। देन है जी, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, और विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस लेयर ऑफ एटमोसफेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, के अर्थ सरफेस से एटमोसफेयर की तरफ जो लेयर्स हैं उन लेयर की सीक्वेंस क्या है। सो सबसे पहले तो आपको इन लेयर के नाम पता होना चाहिए, और जब आपको नाम पता होंगे तो तब आप उनकी सीक्वेंस भी कर सकते हैं।
फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सो सबसे पहले आपके पास अर्थ सरफेस की साइड ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, फिर मेसोस्फेयर होती है और फिर आयोनोस्फेयर होती है। सो अगर आप ऑप्शन सी देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको आयोनोस्फेयर भी नजर आ रही है। सो दैट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज कलरलेस, के कौन से सेल्स जो हैं वो कलरलेस होते हैं। ऑप्शन ए के अंदर जी रेड ब्लड सेल्स हैं, ये कलरलेस नहीं होते क्योंकि इनके अंदर जो है वो पिगमेंट मौजूद होता है। ऑप्शन बी है व्हाइट ब्लड सेल्स, सी के अंदर है जी मोनोसाइट्स और डी के अंदर है प्लेटलेट्स। तो मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स के अंदर भी पिगमेंट जो है वो कैरेटिनाइड्स मौजूद होते हैं, कैरेटिन और कैरेटिनाइड्स जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल जो हैं इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। सो ऑप्शन बी। और अपनी याद रखना है कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनको आर्मी ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, के ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट बोन जो है वो कौन सी है। बी ए के अंदर है अल्ना, बी के अंदर है टीबिया, सी के अंदर है फेमर और डी के अंदर है हेमरस। सो आपके पास जो ऑप्शन सी है फेमर, ये लॉन्गेस्ट बोन है और ये कहाँ पे मौजूद होती है, लेग्स के अंदर, दैट्स करेक्ट स्पॉटेड। नेक्स्ट है जी आपके पास द शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके पास जो शॉर्टेस्ट बोन है वो कौन सी है। ए के अंदर है जी स्ट्रेपिस, बी के अंदर है टीबिया, सी के अंदर है फ्यूमर और डी के अंदर है हेमरस। सो याद रखिएगा ये आपके पास जो थी वो लेग्स के अंदर थी, ठीक है, लेग में दोबारा यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये लेग्स के अंदर थी और जो स्मॉलेस्ट होती है वो आपके पास स्ट्रेपिस होती है और ये आपके पास मिडल ईयर के अंदर मौजूद होती है। यहाँ से एम आई से आपने मिडल याद रखना है और ई ए आर जो है वो एयर, तो ये मिडल ईयर जो है जो कि हम आउटर ईयर जानते हैं, मिडल ईयर जानते हैं और देन इनर ईयर जानते हैं, अगर आपने ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो वहाँ पे आपको ये नज़र आती है। सो दैट इज़ द शॉर्टेस्ट वन। नेक्स्ट है जी, सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय, के सोडियम कार्बोनेट जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। पहला ऑप्शन ए के अंदर है जी हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस के अंदर आपने याद रखना है अमोनिया की प्रोडक्शन होती है NH3। देन जी आपके पास नेक्स्ट है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, डी के अंदर है जी डेकन्स प्रोसेस और ई के सॉरी डी के अंदर है सी के अंदर डेकन्स प्रोसेस था और डी के अंदर लेड चैम्बर प्रोसेस है। सो डेकन्स प्रोसेस और लेड चैम्बर प्रोसेस जो है ये प्लम्बम और बैटरीज जो यूज़ होती हैं उनके लिए यूज़ होते हैं और बी के अंदर जो आपके पास अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला अगर आपको आता है दैट्स गुड, अगर आप नहीं आता तो इसे NaCO3 के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसके अंदर H लगा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का इजाफा कर देते हैं, तो ये आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। लेकिन अगर आप H यूज़ नहीं करते, Na2CO3 करते हैं, ये 2 होगा यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या होता है जी, सोडियम कार्बोनेट। देन जी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एरिथ्रोपी है और उसके साथ पेडागोजी है। तो याद रखिएगा ये जो पेडागोजी है दैट इज़ द टीचिंग बिहेवियर, ऑर्थोएपी जो है ये बोन से रिलेटेड डिजीजिंग के हवाले से स्टडी होती है, ऑर्निथोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ बर्ड है और इसके साथ साथ जो ओडोंटोलॉजी है दैट इज़ द स्टडी ऑफ टीथ। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी द करंट स्टेज ऑफ स्टार सन इज, के स्टार जो सन है, अच्छा याद रखिएगा स्टार और प्लैनेट के अंदर जो सितारे और सितारे के दरमियान डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एनीथिंग दैट हैव इट्स ऑन लाइट दैट इज अ स्टार, और जिसकी अपनी लाइट नहीं है वो आपके पास क्या होता है जी, वो हमेशा क्या कहते हैं उसको, प्लैनेट कहते हैं। जैसे आपके पास अर्थ है, ये एक प्लैनेट है क्योंकि इसकी अपनी लाइट जो है वो नहीं है, जबकि अगर आप स्टार के हवाले से बात करेंगे तो सन जो है वो आपके पास एक स्टार है क्योंकि उसकी अपनी एक लाइट है। तो करंट स्टेज जो है वो आपके पास उसकी येलो डॉर्फिंग है। सो ऑप्शन सी जो है इसके अंदर आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट है जी, इफ द लेंथ ऑफ द हीटर कॉयल इज रिड्यूस्ड बाय 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ देन द पावर कंज्यूम्ड बाय हीटर विल बी, कि अगर आप हीटर की जो कॉयल होती है वही कॉयल बेसिकली हीट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, अगर आप उसकी लेंथ को 10%
कम कर देंगे तो वही उसकी जो पावर होगी वो भी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, सो वो भी 10% ही कम होगी. सो ऑप्शन बी के अंदर जो आपको नजर आ रहा है डिक्रीज 10%, दैट इज द करेक्ट आंसर. देन लीजिए सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ, के सनलाइट के अंदर कितने यहाँ पे कलर पूछे गए हैं. तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाइट लाइट के अंदर मेनली 7 कलर्स ही होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट जी, विच इज द लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग. जैसा कि आप जानते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और नॉट कंडक्टर तीन कैटेगरीज होती हैं. कंडक्टर में से करंट जो है वो गुजर सकता है, उसके साथ इंसुलेटर जो होता है वहाँ से करंट टोटली नहीं गुजर सकता, और सेमी कंडक्टर जिसे हम बोलते हैं उसमें से हाफ किसी भी में करंट पास आउट हो सकता है और कभी भी वहाँ से नहीं भी होता. लेकिन यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से करंट जो है वो किसके किस में से सबसे कम गुजरेगा, कॉपर एक मेटल है इजिली गुजरेगा, वाटर जो है वो आयनाइज हो जाता है तो उसमें से भी इजिली गुजर जाएगा, आयरन भी मेटल है तो उसमें से भी गुजर जाएगा. दीज थ्री आर द गुड कंडक्टर, जबकि वुड जो है दैट इज अ लीस्ट कंडक्टर, क्योंकि इसके जो कंपैक्टेड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और यहाँ से करंट जो है वो इजिली पास आउट नहीं कर सकता. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन जी, व्हाट डज टीएमसी स्टैंड फॉर, कि टीएमसी जो है वो किसे कहते हैं. ऑप्शन ए के अंदर है जी टेक्नो सर्किट मॉड्यूल, बी के अंदर है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसन, सी के अंदर है टेट्राकार्बन मोनोऑक्साइड और डी के अंदर है टेली कम्युनिकेशन मैनेजमेंट. अब ये सारी जो है यहाँ से मिलती हुई नज़र आ रही है हमें, लेकिन अगर करेक्टली आप इस टर्म को देखेंगे तो ये आपको फार्मेसी के अंदर मिलती, फार्मेसी या फार्माकोलॉजी जो होती है उसके अंदर नज़र आती है. और टीएमसी स्टैंड फॉर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसन, ऐसी मेडिसन जो कि थोड़ा सा ओल्डर एज से रिलेट कर रही होती हैं उन्हें टीएमसी मेडिसन भी कहा जाता है. नेक्स्ट है जी, विच गैस इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, के सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो है वो कौन सी गैस को यूज़ किया जाता है. सो दैट इज़ अ वेरी कॉमन, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजिली यूज़ की जाती है वहाँ पे. देन जी नेक्स्ट है इज यूज इन मेजरिंग द वेलोसिटी, के वेलोसिटी को जब आप फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. सो ऑप्शन ए के अंदर है जी स्पीडोमीटर, बी के अंदर है नेमोमीटर और सी के अंदर है ऑडोमीटर और डी के अंदर है हाइग्रोमीटर. तो वेलोसिटी के लिए आप यूजुअली स्पीडोमीटर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि नाम से भी उसे जाहिर है कि आप स्पीड को फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो आप उसे स्पीडोमीटर के थ्रू ही मेजर करेंगे. नेक्स्ट है जी, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी इज़ यूज इज़, के हीलियम. अच्छा, याद रखिएगा जो आपके पास वनस्पति घी होता है ये सैचुरेटेड फैट होते हैं और जिससे इसको बनाया जा रहा होता है वो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं. तो अनसैचुरेटेड फैट की हाइड्रोजिनेशन की जाती है और उसे कन्वर्ट किया जाता है सैचुरेटेड फैट के अंदर, जिसे आप वनस्पति घी कहते हैं. सो ऑप्शन बी जो है हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस जो है उसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट वन. नेक्स्ट इज द लाफिंग, द केमिकल नेम ऑफ द लाफिंग गैस इज, के लाफिंग गैस का नाम क्या है. नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपने सेकेंडर की बायोलॉजी पढ़ी है, सॉरी केमिस्ट्री पढ़ी है, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड. तो लाफिंग गैस जो है ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को. सो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट वन. नेक्स्ट है जी, होपफुली ये हमारा लास्ट टाइम सीक्यूज है और आज के एमसीक्यूज जो हैं वो आपको क्लियर भी हो चुके होंगे. कुछ कुछ मजे के एमसीक्यूज भी थे और इजी भी थे, होपफुली वो भी क्लियर हो चुके होंगे. जी लास्ट एमसीक्यूज पढ़ते हैं. वुड इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, गन पाउडर, पेपर और इंक. तो जैसा कि आप जानते हैं कि वुड जिसे आप इतना बुरा भरा भी कहते हैं कि क्योंकि जिससे पेपर बनता है और पेपर पर फिर आपने क्या देना होता है, एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हैं. सो होपफुली वोट को आप दुआएं दीजिए क्योंकि आपका पेपर बना है और फिर आप तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप अच्छे अच्छे मार्क्स लेंगे. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. जी होपफुली आपके आज के एमसीक्यूज जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे. इसके साथ मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास के अंदर. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.